बीजेपी की पहले लिस्ट में 177 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 230 विधानसभा सीटों में 177 सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बार भी बुधनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। यशोधरा राजे सिंधिया को शिवपुरी से टिकट दिया गया। इस लिस्ट में 2 मंत्री और 27 विधायकों को टिकट नहीं मिला है। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि क्या सिटिंग एमएलएस को, सारे के सारे सिटिंग एमएलएस को दोबारा टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अब 177 उम्मीदवारों के जो नाम का ऐलान हुआ है उसमें खबर यह आ रही कि 27 सिटिंग एमएलएस को टिकट नहीं मिला, जिसमें 2 मंत्री भी शामिल है। अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, 27 सिटिंग एमएलएस के टिकट कटे हैं जिसमें 2 मंत्री भी है, अभी सिर्फ 177 की ही सूची आई है, दूसरी सूची में भी लग रहा है कुछ और नाम कटेंगे? देखिए, जो कल जानकारी मिल रही थी करीब 40 से ज्यादा विधायकों के टिकट कटने की बात आ रही थी, पर मुझे लगता है कि एक बड़े लेवल पर आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन किया है अमित शाह ने। जो तमाम जो नाराजगी की बात आ रही थी कि बहुत ज्यादा नाराजगी है, 15 साल का शासन है, भले शिवराज सिंह चौहान को लेकर बातें ना हो लेकिन जो उनके विधायक हैं और उसको तमाम जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए विधायक बदले गए हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो पिछले कुछ दिनों में खबरें आई थी कि हो सकता है कि वो अपनी सीटें बदले, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विदिशा जा सकते हैं, ऐसी कोई खबर नहीं है। वो एक सीट पर ही लड़ रहे हैं और बुधनी से, जहां से वो विधायक है वहीं से लड़ रहे हैं। जो तमाम खबरें थी उसको खारिज करते हुए बुधनी से लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात की माया सिंह, जो की 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी है, पिछले बार वो वहां से चुनाव लड़ी थी और मंत्री भी थी, वो उनका टिकट काट दिया है। इस बार जो नामों का ऐलान हुआ है, लेकिन एक एक सीट पर आप कह सकते हैं कि एक एक सीट की स्क्रूटनी की गई है। तमाम जो सर्वे हैं, चाहे संघ के सर्वे हो, अमित शाह के सर्वे हो या फिर शिवराज सिंह चौहान के सर्वे हो, सबको सामने रख के वो कैंडिडेट्स का नाम पार्टी ने तय किया है, जिस पर जो लगता है कि पार्टी को जीत दिला सकती है, तो जिताऊ कैंडिडेट तय किया।